हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूँ प्रतीक्षा आचार्य। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपने पेपर टू में अप्लाई किया है, तो सोशल साइंस के जो पार्ट है उसमें आपको पता होगा कि हिस्ट्री से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो 8 से 10 क्वेश्चन NCERT पर बेस्ड होते हैं, जो क्लास 6, 7, 8 की होती है। तो हम यहाँ पर आज हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, क्लास 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो पढ़ाने का तरीका और आपके पढ़ने का तरीका होगा वो बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। एक स्टोरी की तरह हम पढ़ेंगे और सारे जो पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हिस्ट्री की बुक में, उनको कवर करते चलेंगे। तो वीडियो ज़रूर देखिए पूरा, आपके ही काम आएगा, आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। तो हम पढ़ रहे हैं NCERT हिस्ट्री क्लास 6, और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, क्या, कब, कहाँ और कैसे, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमें अपने अतीत के बारे में कैसे पता चलता है? हमें अपने अतीत के बारे में हमारी किताबों से पता चलता है, जो भी इतिहास की किताबें हैं। लेकिन बात करें कई लाख वर्ष पहले की, जब पेपर्स नहीं होते थे, तब के बारे में कैसे पता चला? तब के बारे में हमें पता चला पांडुलिपि क्या होती थी? पांडुलिपि होती थी हाथ से लिखी हुई पुस्तक, जिसको हम क्या कहते थे? पांडुलिपि कहते थे। अब जब हिंदी में नाम है तो कोई इंग्लिश में भी नाम होगा, उसको कहा जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट। पांडुलिपि को इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता था। और आपने देखा होगा अधिकतर इंग्लिश के जो वर्ड हैं वो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, लैटिन भाषा से लिए गए हैं। तो यहाँ पर जो मैन्यू वर्ड है वो भी लैटिन भाषा से लिया गया है, और जिसका अर्थ है हाथ। जिसका अर्थ क्या है? हाथ है। इसीलिए हम पांडुलिपि को क्या बोला? हाथ से लिखी हुई पुस्तक, उसको क्या बोलते थे? पांडुलिपि। पांडुलिपि जो थी लिखी जाती थी, पर किस पर लिखी जाती थी? पांडुलिपि लिखी जाती थी भोजपत्रों पर। भोजपत्र क्या होते थे? भोजपत्र जो थे वो हिमालय क्षेत्र में पाए गए भुर्ज का पेड़, एक भुर्ज का पेड़ होता था जो कि हिमालय क्षेत्र में ही पाया जाता था, उसकी जो छाल होती थी, छाल पता है ना आपको, जो ऊपर होती है, उसकी जो छाल होती थी उससे तैयार किए जाते थे भोजपत्र, और उन पे अलग तरीके से लिखा जाता था, और उसी को हम पांडुलिपि कहते थे। अब पांडुलिपियों से भी पता चला, साथ ही हमें पता चला वेदों से, जिसमें सबसे पहला जो प्राचीन वेद है उसे कहते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद क्या है? हमारा प्राचीन वेद है। ऋग्वेद से भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली, पांडुलिपियों से भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली। ऋग्वेद की जो भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत। यानी कि जो ऋग्वेद है वो किस भाषा में लिखा हुआ है? इसकी जो मूल भाषा है वो है संस्कृत। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब पांडुलिपि से पता चला, ऋग्वेद से पता चला, लेकिन क्या पता चला? हमें पता चला सबसे पहले नदियों के बारे में, नदियों के बारे में, पहाड़ियों के बारे में। तो नदी की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं नर्मदा नदी की। सबसे पहले हम बात करेंगे नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। और नर्मदा नदी जो है वो भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। पहले नंबर पे गोदावरी है, और दूसरे पर है कृष्णा। तो तीसरी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के पास बहुत सारे लोग रहते थे, लाखों वर्ष की बात हो रही है। तो तब तो जॉब तो होती नहीं थी, ना पैसे होते थे, पेट भरना ही होता था। तो वह क्या थे? संग्राहक थे। क्या कहलाते थे? संग्राहक कहलाते थे, जो लोग रहते थे नर्मदा नदी के तट पर। कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी में नहीं रहते थे, तट पर रहते थे, ठीक है। तट पर जो रहते थे वो लोग क्या कहलाए जाते थे? संग्राहक कहलाए जाते थे। संग्राहक, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, संग्रह करने वाला, यानी कि कलेक्ट करने वाला। और क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करते थे? वो जड़ों को खाते थे, तो जड़ कलेक्ट कर ली।
फलों को खाते थे तो फल कलेक्ट कर लिए, और भी चीज़ें जो जंगलों में मिलती थी खाने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए उन सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लेते थे, संग्रह कर लेते थे, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया, संग्राहक पड़ गया। ठीक है, अब नदी थी तो जंगल था तो शिकार, शिकारी भी होते थे, शिकारियों को क्या कहा जाता है, आखेटक, आखेटक। और ये सब कहाँ मिलते थे, ये सब मिलते थे नर्मदा नदी के तट पर। ये हमारी बात लाखों वर्ष पहले की हो रही है, लाखों वर्ष पहले की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, अब हम चलते हैं 8000 वर्ष पूर्व। ठीक है, 8000 वर्ष पूर्व यानी कि थोड़ा नया ज़माना आ गया, लोगों ने तरक्की कर ली, फसलों को उगाना चालू कर दिया, फसलों को उगाना चालू कर दिया। सबसे पहले कहाँ की बात करेंगे, अब हम कर रहे हैं सुलेमान और किरथल पहाड़ियों की, सुलेमान और किरथल पहाड़ियों की। सुलेमान और किरथल पहाड़ियाँ कहाँ पर थी, ये थी उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम की बात चल रही है। सुलेमान और किरथल पहाड़ियाँ उत्तर पश्चिम में, लोगों ने थोड़ी प्रोग्रेस कर ली यानी कि फसलों को उगाना स्टार्ट कर दिया, गाय बैल भेड़ इस तरह के जानवर पालने स्टार्ट कर दिए। जब फसल उगाना चालू कर दिया तो सबसे पहले उन्होंने क्या उगाना सीखा, गेहूं और जौ, गेहूं और जौ को उगाना सीखा। किसने सीखा, सुलेमान और किरथल की पहाड़ियों के वाले क्षेत्र में जो रहते थे यानी कि उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में जो रहते थे, उन्होंने गेहूं और जौ को उगाना सीख लिया था। और ये कस की बात हो रही है, ये 8000 वर्ष पुरानी हम बात कर रहे हैं। 8000 वर्ष पुराने अगर क्वेश्चन आता है कि 8000 वर्ष पहले लोगों ने फसल उगाना स्टार्ट कर दिया था और फसल के साथ साथ गाँव में रहना भी स्टार्ट कर दिया था, यानी कि उन्होंने ग्रुप बना लिया था, एक जगह इकट्ठे होकर उन्होंने पूरा गांव बना लिया था, तो लोग गांव में निवास करते थे। वो एरिया कहां पर आता है, तो वो एरिया आता है सुलेमान और किरथल पहाड़ियों में, ये क्वेश्चन बनता है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ सुलेमान और किरथल पहाड़ियों तक ही तो क्षेत्र सीमित नहीं था, और भी क्षेत्र थे जहाँ पर फसल उगाई जाती थी, फसल उगाने में विकास हुआ। ये सारी बातें 8000 वर्ष पुरानी ही चल रही हैं। कौन सी थी, गारो की पहाड़ियाँ। ठीक है, गारो की पहाड़ियाँ, गारो की पहाड़ियों वाला क्षेत्र में भी फसल का विकास हुआ। गारो की पहाड़ियाँ कहाँ थी, उत्तर पूर्व में, क्योंकि उत्तर पश्चिम में कौन सी बताई थी, सुलेमान और किरथल, उत्तर पूर्व में गारो। अब भाई सिर्फ गारो और तक ही नहीं होगी, मध्य भारत में भी कुछ होगा। मध्य भारत में था विंध्य की पहाड़ियाँ, विंध्य की पहाड़ियाँ कहाँ थी, मध्य भारत में। तो विंध्य की पहाड़ियों वाले क्षेत्र में जो लोग रहते थे वहाँ पर उन्होंने चावल उगाना स्टार्ट कर दिया था, सिर्फ गेहूं और जौ तक सीमित नहीं रहे थे, गेहूं और जौ से आगे बढ़ के अब उन्होंने क्या उगाना चालू कर दिया, चावल उगाना चालू कर दिया। किन्नों ने, विंध्य की पहाड़ियों में रह रहे लोगों ने, विंध्य की पहाड़ियाँ जो कि मध्य भारत में स्थित थी। इतना आपको समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी के बाद जिस नदी के बारे में हम पढ़ेंगे वो है सिंधु नदी। कौन सी है, सिंधु नदी। और जब भी सिंधु का नाम आता है तो सिंधु सभ्यता भी आपके माइंड में क्लिक कर जाता होगा। तो ये हम बात कर रहे हैं अब 4700 वर्ष पुरानी, और जब सिंधु सभ्यता जो है पहली जो नगरीय सभ्यता जिसे कहते हैं वो सिंधु नदी के आसपास ही उत्पन्न हुई। ठीक है, और सिंधु की सहायक, ये तो नहीं है कि सिर्फ सिंधु के आसपास ही लोग रहते थे, सिंधु की जो सहायक नदियाँ थीं उनके आसपास भी बहुत सारे जो नगर हैं उन्होंने फलना फूलना प्रारंभ कर दिया था। कौन कौन सी थी सिंधु की सहायक नदियाँ, रावी है, झेलम है, चिनाब है और सतलुज है। ठीक है, ये सिंधु की सहायक नदियाँ थीं। सिंधु जो नाम है इसी से हमारे देश का नाम इंडिया भी पड़ा। कैसे पड़ा, कि जो
फलने फूलने लग गए, तरक्की करने लग गए, तो लोग आते हैं ना बाहर से देखने के, अरे ये लोग कैसे तरक्की कर रहे हैं। तो बाहर से विदेशी आए, यूरोप से यूरोपीय आए और ईरान से ईरानी आए। उन्होंने सिंधु तो कहा नहीं, सिंधु की जगह क्या कहते थे वो, उन पर बोला जाता नहीं था, क्योंकि आप देख सकते हैं कोई विदेशी आता है तो उस पर हमारी जो मातृभाषा है, जो हमारी लैंग्वेज है, राजभाषा है, वो अच्छे से नहीं बोली जाती, तो तोड़ मरोड़ के या कोई गलत प्रोनाउंस करके बोलते हैं। तो सिंधु को उन्होंने इंडोस या फिर हिंदोस कहा, ठीक है, उन्होंने अपनी भाषा में बोला सिंधु को, किसी ने इंडोस बोला, किसी ने हिंदोस बोला, तो जो इंडोस निकला, ठीक है, उसी से हमारे देश का नाम क्या पड़ गया, इंडिया पड़ गया, क्योंकि इंडिया जो निकला है वो इंडोस से निकला है, और इंडोस को संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहा जाता है। इतना आप ध्यान रखिएगा। सिंधु नदी के साथ साथ हमें एक गंगा नदी के बारे में भी पता चला। गंगा नदी के बारे में जो आसपास लोगों ने रहना चालू कर दिया था, अब हम बात कर रहे हैं 2500 साल पहले की, तो गंगा नदी के आसपास भी लोगों ने स्टार्ट कर दिया था रहना। गंगा की जो सहायक नदियां थी उनमें मेन कौन सी थी, यमुना थी, ठीक है, सरस्वती थी, ठीक। गंगा का जो दक्षिण का पार्ट था, जो गंगा का की तरफ का जो दक्षिण का इलाका था, उसको मगध कहा जाता था। उस एरिया को क्या कहा जाता था, मगध कहा जाता था। दक्षिण की तरफ का जो एरिया था उसको मगध कहा जाता था, ठीक है। अब गंगा और सिंधु नदी थी और उनके आसपास लोग रहा करते थे, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। जैसा कि मैंने बताया पांडुलिपियों से पता चला था, वो तो बहुत लाखों साल पहले पता चला, उसके आगे बढ़े तो हमें ऋग्वेद से पता चला, 2500 साल पुरानी बातें, 4700 साल पुरानी बातें, के लोग सिंधु नदी और गंगा नदी के और उनकी सहायक नदियों के आसपास रहना उन्होंने चालू कर दिया था। ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है, ठीक है, 1028 सूक्त है, 10 मंडल है इसमें। ऋग्वेद में सिंधु का नाम आया है एक बार, गंगा का नाम आया है एक बार, यमुना का नाम 3 बार आया है, सबसे ज़्यादा बार जो नाम आया है वो सरस्वती का आया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना का नाम कितनी बार आया है, तब आपका आंसर 1 होगा, क्योंकि गंगा का नाम सिर्फ 1 बार आया है। सिर्फ यमुना के बारे में पूछें तो 3 बार, और अगर क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में सरस्वती कौन सी नदी है जिसका नाम सबसे ज़्यादा बार आया है, तब आपका आंसर क्या होगा, सरस्वती होगा। या क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र किस नाम से पुकारा जाता था, तब आपका मगध आंसर होगा। या क्वेश्चन घुमाकर भी आ सकता है कि कौन सा क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता है, तब आपका आंसर क्या होगा, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। इन पॉइंट से कोई भी प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा के आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर आपने समझ लिया है तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसका आंसर दे पाएंगे। अब सिर्फ हमारे देश का नाम इंडिया तो नहीं है, भारत भी है। भारत कैसे पढ़ा, तो आपने सुना होगा भरत के नाम पर पढ़ा है, तो भरत जो लोग, भरत एक समूह था जो कि उत्तर पश्चिम में रहता था, जो कि उत्तर पश्चिम में रहता था, और उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। भरत लोगों का समूह कहाँ रहता था, उत्तर पश्चिम में। और ये सारी बातें हमें किससे पता चली हैं, ये सारी बातें हमें ऋग्वेद से पता चलती हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भरत लोगों का एक समूह था जिसके बारे में हमें ऋग्वेद से पता चलता है, तो वो समूह कहाँ रहता था, तब आपका आंसर आएगा उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में। यही वो पॉइंट थे जो फर्स्ट चैप्टर में थे, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि NCERT की हिस्ट्री अब ऐसे ही चलती रहेगी आपके CTET के एग्ज़ाम होने तक। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।